हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके लिए साइंस में दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले क्लास वन में साइंस में चैप्टर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मैंने पढ़ाया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा और जो मैंने होमवर्क दिया था उसे आप लोगों ने बनाया होगा। आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, पार्ट्स ऑफ ए बॉडी एंड सेंस ऑर्गेन्स। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब है हमारे शरीर के अंग के बारे में आज पढ़ेंगे। हमारे शरीर में कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके कौन कौन से काम हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं शरीर में हमारे बहुत सारे भाग हैं, पार्ट्स हैं। जैसे हेड, हेड मीन्स सी, नोज, आईज, ईयर, फिंगर, लेग, हैंड, इट इज ही। और भी बहुत सारे अंग हैं और सभी अंगों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे लेग, लेग मीन्स पैर। पैर से हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग पैर से मूव करने का काम करते हैं, वॉक, रनिंग, साइकिलिंग और भी बहुत सारे काम करते हैं। उसी तरह हैंड, हैंड मीन्स क्या होता है? हाथ। हाथ से हम लोग क्या क्या करते हैं? तो हाथ से हम लोग कोई भी चीज़ को पकड़ते हैं। उसी तरह नोज, नोज से हम लोग क्या करते हैं? नोज से हम लोग सूंघने का काम करते हैं। ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है? कान, कान से हम लोग सुनने का काम करते हैं। आईज, आईज मीन्स आँख, आँख से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में बहुत से पार्ट हैं जो आप लोग जानते हैं और उसे स्पेलिंग के साथ सबको स्टडी करना है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सेंस ऑर्गेन। सेंस ऑर्गेन मीन्स होता है ज्ञान इंद्रियाँ। हम लोग आज ज्ञान इंद्रियाँ पढ़ते हैं। सेंस, हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गेन फाइव होते हैं, ओनली फाइव, सिर्फ फाइव होते हैं। वो कौन कौन होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नोज, आईज, ईयर, स्किन एंड टंग। नोज, नोज मीन्स नाक। नाक से हम लोग, इसको पहले भी मैंने बताया था कि नाक से हम लोग कौन सा काम करते हैं, तो नाक से हम लोग कोई भी चीज़ को सूंघने का काम करते हैं। उसी तरह ईयर, ईयर मीन्स कान। कान हमारे कितने हैं? तो कान हमारे दो हैं, हैं? तो कान से हम लोग क्या करते हैं? कान से हम लोग सुनने का करते हैं। आईज, आईज मीन्स आँख। तो हमारे आँख भी कितने हैं? तो हमारे आँख भी दो हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं? तो देखने का काम करते हैं। स्किन, स्किन मीन्स होता है त्वचा, ये चमड़ी। त्वचा से हम लोग क्या करते हैं? मतलब किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं, छूने का, टच करने का महसूस करते हैं। ये स्किन जो है हमारे पूरे शरीर को ढकी हुई रहती है। ये शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी ऊपरी परत होती है। टंग, टंग मीन्स क्या होता है? जीभ। जीभ से हम लोग किसी भी खाने का टेस्ट का अनुभव करते हैं, यानी कि ये टेस्ट का, टेस्ट देने का काम करते हैं। इस तरह हम लोगों के पांच सेंस ऑर्गेन्स हैं। शरीर में बहुत सारे भाग हैं लेकिन सेंस ऑर्गेन सिर्फ पांच ही होता है। इसको बढ़िया से स्टडी करना है। सेंस ऑर्गेन कितने होते हैं? ओनली फाइव। नोज, ईयर्स, आईज, टंग और स्किन। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि सेंस ऑर्गेन कितने होते हैं। इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसके बाद है आप लोगों को मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, वो आप लोग को घर पर होमवर्क बनाना है। पहला, राइट एनी 10 पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। आप लोग शरीर का कोई भी भाग, 10 भाग यानी कि 10 लिखना है, 10 पार्ट्स लिखना है। इसके बाद है राइट 5 सेंस ऑर्गेन। राइट 5 सेंस ऑर्गेन मतलब 5 सेंस ऑर्गेन लिखना है। अभी मैंने बताया था आप लोगों का 5 सेंस ऑर्गेन कौन कौन सा है? नोज, ईयर, आई, स्किन एंड टंग। ये 5 नेम्स आप लोगों को लिखना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये सब समझ में आ गया होगा और आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा होमवर्क बनाने का। होमवर्क ज़रूर बनाना है और मैंने पहले भी बताया है कि डेली आप लोगों को रीडिंग लगाना है, बुक रीडिंग डेली करना है, एक चैप्टर है ना। इसके साथ आप लोग इसका हिंदी मीनिंग भी लिखिएगा, जैसे लेग मीन्स पैर, हैंड मीन्स हाथ। इस तरह हिंदी मीनिंग के साथ आप लोग को 10 पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद मैं अगला चैप्टर आपको अगले
वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक इतना ही आप लोग समझिए और इसे होमवर्क बनाइए। थैंक यू।